अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। विकास नगर जहां से बबीता अग्निहोत्री कांग्रेस प्रत्याशी है, देखना दिलचस्प होगा कि जहां भाजपा और आप प्रबल दावेदार है वहां कांग्रेस प्रत्याशी किस तरह इस बार एमसीडी में अपनी जगह बनाती है। सर क्या कैसा लगता है आपको कि इस बार एमसीडी में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? देखिए विकासपुरी विधानसभा के आप किसी भी रोड नाली और सीवर की बात करेंगे तो आप माहौल खुद ही देख लेंगे। एमसीडी में बीजेपी को देखने के बाद और आम आदमी पार्टी के विधायक के नाकामी के बाद अब जनता ने मन बना लिया है कि पढ़े लिखे प्रत्याशी को, हमारी बबीता अग्निहोत्री जी को 109 वार्ड से विकास नगर से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और पढ़ी लिखी होने की वजह से यहाँ के क्षेत्र के सभी लोगों ने, पूर्वांचल ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार एक पढ़े लिखे अच्छे लोगों को और खास करके कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं पूरी विकासपुरी विधानसभा में जो खड़े हैं उनको इस बार सारा का सारा बहुमत जनता देगी, प्यार देगी और आशीर्वाद देगी। निश्चित ही इस बार बदलाव की बयार देखने को मिल रही है, क्या लगता है आपको कि एमसीडी में 250 में कितनी सीटें कांग्रेस के झोले में आएगी? देखिए कुछ भी कहना अभी सही नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं जनता जनार्दन ने जब मन बना लेती है तो फिर धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा माहौल दिखाई देते हैं। अभी कुछ भी कह के हम अपने मुंह से बड़ी बात नहीं करेंगे, जनता जनार्दन से पूछिए वो आपको बताएंगे कि वो किसको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। और हमारे हम तो सिर्फ प्रत्याशी बन के लड़ सकते हैं, जनता है जो कि अपना डिसीजन दे के अपना वोट दे के बनाती है, इसके बारे में जनता आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएगी। जैसा कि आपने सुना कि जनता जनार्दन है, आपकी वोटों से 4 दिसंबर को मतदान होकर 7 दिसंबर के पिटारे से भाग्य का फैसला होगा। विकास नगर वार्ड 109, आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय का यहां उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश द्विवेदी जी हैं, जानेंगे कि कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, एमसीडी में उद्घाटन किस तरह होगा? देखिए जनता जनार्दन है और जनता समझ रही है, सबकी सत्ता है। आपने देखा होगा निगम की जो इन्होंने जो किया है, इन्होंने दिल्ली सरकार के जो विधायक हैं उनका जो कार्यकाल है वो भी देखा हुआ है और कांग्रेस का कार्यकाल देखा हुआ है। आज जो है ना जो गलियों में जो माहौल दिखाई दे रहा है कि हर घर परेशान है, अगर कोई रिश्तेदार आता है तो उसका रिश्तेदार ये कह के जाता है कि आप शहर में नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह रह रहे जंगल में जहाँ पर आपको गाँव से भी बेहतर राजधानी हो गई है। तो ये सब जो राजधानी का जो माहौल पहले जो बना था, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार श्रीमती शीला दीक्षित ने जिस तरह से कांग्रेस का जो दिल्ली में विकास किया था और जिन लोगों ने झूठ झूठ बोल करके सपने दिखा करके पेरिस बनाने के जो ख्वाब दिखाए थे, आज उनकी जो है पोल खुलने का समय आ गया है और जनता ये समझ रही है कि जो विकास कांग्रेस ने किया वो विकास ये दोनों पार्टियां करने में फेल हो चुकी हैं और आने वाले चुनाव में दिल्ली में सबसे ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस पार्टी आने जा रही है। धन्यवाद। विकास नगर वार्ड 109 से कांग्रेस के प्रत्याशी बबीता अग्निहोत्री भी हमारे साथ हैं। आज उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया है, भगवान के पूजा के साथ उनका आशीर्वाद लिया है, जनता का आशीर्वाद इनको कितना मिलेगा आइए जानते हैं। क्या लगता है आपको इस बार वार्ड नंबर 109 से जनता का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? बहुत ज्यादा, ये तो आप सबके सामने ही है, जनता पे प्रसाद है। आपको पूरा भरोसा है कि पूरा जनता पे भरोसा है कि जीत ही होगी मेरी? जीत अगर हो जाती है तो आप क्या करना चाहेंगे? जनता की सेवा, जैसे मैं शिक्षा व्यवस्था क्या दुरुस्त करेंगे? हर तरीके से जितनी से ज्यादा मुझसे सेवा हो पाएगी मैं पूरी तरीके से सेवा करूंगी जनता की। जैसा कि बबीता अग्निहोत्री कह रही है कि उनका मुख्य मकसद जो है वो जनता की सेवा है, जनता सेवा से वे एक नई पहचान गढ़ना चाहती है, नई उम्मीदें लेकर जनता के भरोसे जनता के बीच आती है। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस के ऊपर इस बार लोगों ने भरोसा दिखाना आरंभ किया है, लोगों ने कहा है कि इस बार बदलाव करेंगे, तो कांग्रेस के टिकट से आप प्रत्याशी हैं, एमसीडी में क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के परचम लहराएगी? बिल्कुल बिल्कुल लहराएगी, बदल क्या लगता है? लहराएगी।
लाएंगी, जरूर लाएंगी। जीत दर्ज होगी? जीत दर्ज होगी। तो इनके साथ महिला शक्ति भी है और निश्चित ही महिला शक्ति के साथ जो है जनता जनार्दन का वोट 4 दिसंबर को पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि 4 दिसंबर को आखिरकार बबीता अग्निहोत्री विकास नंबर वार्ड 109 से किस तरह जीत दर्ज करती है और जीत का सेहरा इनके सिर बंधता है। हम यहाँ पंडित जी भी हैं और जिन्होंने भगवान का आशीर्वाद इनको दिया है, तो हम चाहेंगे कि पंडित जी से भी जानेंगे कि ईश्वर का आशीर्वाद तो आपने इन्हें दिला दिया, जनता का आशीर्वाद मिलेगा? जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा, क्षेत्र में कार्य भी होना चाहिए। बहुत समय से ऐसा चल रहा है कि निगम का जो कार्य है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में हर जगह गंदगी, हर जगह सफाई नहीं है, जबकि हमारे मोदी जी ने भी अभियान चलाया था कि सफाई करो सफाई करो सफाई करो, लेकिन हम देखते हुए आ रहे हैं कि निगम में किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं है। हर जगह गंदगी है, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है और अब कुछ बदलाव आना चाहिए। और हम देख पा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से निकल के आ रही है और जो कि हमारी दिल्ली के अंदर बदलाव लाएगी और सभी निगम की सीटों पर कांग्रेस का पर्चा लहराएगा। चलिए, ईश्वर के आशीर्वाद का माध्यम होता है कहीं भी पुरोहित, और पुरोहित का कहना है कि इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। आखिर परचम किसका होगा, 7 दिसंबर के जादू पिटारा खुलने के बाद सामने आ जाएगा। देखते रहिए, अनुभवी आंखें दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। बिल्कुल होगा जी, अब की बार कांग्रेस पार्टी काफी बहुमत से आएगी, कई जगह कई बोर्ड सीटें लेके आएगी। अब की बार लोग जो सो रहे थे वो जाग गए, दोनों पार्टियों को खूब देख लिया है, आगे भी देखेंगे। अब हमारी पार्टी, पुरानी पार्टी, फिर मैदान में आ गई है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस का परचम लहराएगा? सर क्यों नहीं लहराएगा? आप देख रहे हैं कि इतने सालों से बीजेपी ने नरक बना रखा है पार्टी को, इतने गंदगी, इतना बुरा हाल है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे ये लोग कितना लूट रहे हैं, काम कुछ नहीं है। इस बार विकास नगरी जिंदा, 109 वार्ड की जनता इस बार पूरे बदलाव के मूड में है और इस बार कांग्रेस है। अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस का परचम किस तरह लहराता है। तो 4 दिसंबर को सबसे पहले मतदान करें, फिर उसके बाद कोई काम करें। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अनुभवी आंखें दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।